आज हर इंसान अपने दैनिक दिनचर्या में एक तनाव की जिंदगी, एक ऊहापोह की जिंदगी, अपनी व्यस्तताओं के हिसाब से बहुत प्रकार के ऐसे भावों में जीता है जो उसके मन और मस्तिष्क को कई बार उद्वेलित करते हैं। बुद्धि को अपने मन और संतुलित करने के लिए अगर कोई विधा है तो गीत है, संगीत है, नृत्य है, कला है, इसके माध्यम से ही वो अपने जीवन को संतुलित कर सकता है। तो इन सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत से अपने कदम उठाए हैं। हमने सांस्कृतिक तौर पर विदेशों से जहां लोग बुलाते हैं वहां हमारे टीमें भी विदेशों में जाती हैं। हम प्रदेश भर में जैसे एक बड़ा कार्यक्रम विश्व स्तरीय सूरजकुंड में क्राफ्ट्स मेला के नाम से हर वर्ष करते हैं, इसी प्रकार एक बड़ा कार्यक्रम जहां विश्वव्यापी दृश्य देखने को मिलता है वो है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में। तो इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से हरियाणा की संस्कृति जिसको विश्व में अपना एक स्थान प्राप्त है, देश और दुनिया में इसका नाम हो, क्योंकि हरियाणा की धरती पर सांस्कृतिक सोच के हिसाब से अगर देखें तो एक बड़ी परंपराएं, इतिहास हमारा भरा पड़ा है। अगर उल्लेख करना हो तो एक ही हम जो गीता के नाम से जिस बात को जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का जो संदेश दिया, युद्ध के मैदान में दिया, और वो गीता का संदेश जीवन जीने के लिए आज एक हमारे लिए एक आधार बन गई है। तो इस नाते से 5000 वर्ष का पुराना ये संदेश आज भी विश्वव्यापी विश्व के लोग उसको याद करते हैं, उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। आज इस शाम में सभी जितने आए हुए कलाकार हैं वो अपना अपना एक या जो प्रदर्शन करेंगे उसके माध्यम से जो संदेश देंगे उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसी प्रकार के कार्यक्रम आगे होते रहें, हरियाणा सरकार का जो सहयोग अपेक्षित है वो पूरा हम देते रहेंगे।